हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज बहुत ही टेस्टी बिरयानी की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, तो मेरे साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए, एक बिरयानी का मसाला पहले हम तैयार कर लेते हैं। तो एक बड़ा चम्मच साबित धनिया, एक बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है, 3 सूखी मिर्च, 2 तेज़पत्ता, 1 स्टार अनीस, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, छोटे से 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 लौंग लिए हैं मैंने, 2 बड़ी इलायची लिए हैं मैंने, और यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैंने सौंफ लिया है, 1/2 टीस्पून शाहजीरा लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से हम रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1-2 सेकंड के लिए हम मसाले को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, ताकि अच्छे से इसमें एक खुशबू आए। तो यहाँ पे मैंने हरी इलायची अभी ऐड नहीं किया है, जब मैं ग्राइंड करूँगी तो इलायची भी ऐड कर लूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और बहुत अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है। तो चलिए, मैं आपको ग्राइंड करके इसका एक फाइन सा पाउडर बनाकर बताती हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर जार में मसालों को ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, 4 हरी इलायची ऐड कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा बिरयानी मसाला रेडी हुआ है। तो इस तरह आप घर पर बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बासमती राइस लिया है, 1 kg बासमती राइस है। तो मैंने आधा घंटा पहले इसको भिगा कर रख दिया था। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है, बड़े बड़े पीसेस में कटवा कर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 3 टमाटर, हरा धनिया, 2 लीमू, 8 से 10 यहाँ पे मैंने हरी मिर्च लिया है, और यहाँ पे 250 ग्राम मैंने प्याज को बारीक कट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो ये इतनी ज़बरदस्त बिरयानी बनती है फ्रेंड्स, पक्के गोश्त की। तो इस तरीके से आप भी ज़रूर बनाइए और अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, हम बताना। मेरी कई बिरयानी की रेसिपीज़ अपलोडेड है, तो वो भी वॉच करना, बहुत ही टेस्टी बिरयानी की रेसिपीज़ अपलोडेड है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने तो यहाँ प्याज को फ्राई कर फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो इसी तरह की हमें चाहिए था बिरयानी बनाने के लिए। तो चलिए, अब हम इसको निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही क्रिस्पी हमारी प्याज फ्राई हुई है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है। तो चलिए, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज निकाल लिया है और उसी में मैंने ऐड किया है 1 बड़ा चम्मच घी, और मैंने एक्स्ट्रा ऑयल भी निकाल लिया है। तो यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर लेते हैं, लौंग, शाहजीरा और तेज़पत्ता। तो देखिए, यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लूँगी खड़े गरम मसालों को, और इसी में ऐड करूँगी चिकन। चिकन को भी अच्छे से ऑयल में हम फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से अगर आप बिरयानी बनाओगे ना, तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी फ्रेंड्स। एक बार ज़रूर आप लोग भी ट्राई करना। ऑयल में अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इसी में ऐड करेंगे हम अदरक लहसुन पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून अदरक लहसुन पेस्ट लिया है, इसको भी मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल गई तक इसको अच्छे से भून लेंगे हम चिकन के साथ, और इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, इसको भी मिक्स कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक बॉल में 250 ग्राम दही लिया है, 1/2 टीस्पून यहाँ पे हल्दी लिया है मैंने, यहाँ पे ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे, काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, और यहाँ पे 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए ऐड करेंगे, इससे अखनी का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल में चिकन और अदरक लहसुन को 5 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया है। तो साथ ही में ऐड करेंगे दही और मसाले जो मैरिनेट किया था मैंने मसालों को, तो ये भी ऐड कर लेंगे हम और मिक्स कर लेंगे इसमें। नेक्स्ट इसी में ऐड करेंगे टमाटर। तो 3 टमाटर मीडियम साइज़ के लिए थे मैंने, रफली कट कर लिया है, इसको भी ऐड कर लेंगे। 5 से 6 यहाँ पे हरी मिर्च ऐड करेंगे हम, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे,
और कवर करके रख देंगे चिकन गलने के लिए। नेक्स्ट दूसरी साइड यहाँ पे अदहन का पानी रखेंगे बिरयानी के लिए। हरा धनिया ऐड करेंगे, खड़े गरम मसाले, हाफ लीमू ऐड करेंगे और 2 से 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 किलो चावल के हिसाब से नमक ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे ताकि चावल अच्छे खिले खिले बने हमारे और एक दूसरे से चिपके नहीं। कवर करके रख देंगे हम इसको बॉईल के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चिकन की यखनी बन चुकी है। तो चलिए अब हम इसको दम लगाते हैं बिरयानी को। यहाँ पे धन का पानी भी बॉईल होने आ गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो इस चावल ऐड कर लेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे मैं 1 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ, आप उस हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चटपटी सी बिरयानी बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो 80% तक हमें चावलों को कुक करना है फ्रेंड्स। तो इसका पानी हम ड्रेन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुक हो चुके हैं चावल, तो इसका पानी ड्रेन कर लिया है मैंने। तो एक बर्तन में इसको निकाल लेंगे हम, आधे चावल निकाल लेंगे, आधे बर्तन में ही रहने देंगे। और यहाँ पे जो अखनी बना के रखी थी चिकन की, मैं तो इस पर ऐड कर दूँगी। तो आधी अखनी ऐड करूँगी, तो परत वाली बिरयानी बना रही हूँ मैं, तो आधी चावल पे ऐड करूँगी, फिर दूसरी परत पर आधी ऐड करूँगी। बहुत ही टेस्टी लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं यखनी का। और ऊपर से हरा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ा सा तली हुई प्याज ऐड करेंगे फ्रेंड्स। और नेक्स्ट इसी पर बॉईल किए हुए चावल ऐड करेंगे हम। तो दूसरी परत भी मैंने चढ़ा दी है, तो उस पर भी हम ये बची हुई यखनी ऐड कर लेते हैं फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसको सेम प्रोसीजर में मटन की बिरयानी भी बना सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होगी फ्रेंड्स। बकरीद आने वाला है, तो बकरीद में इसी तरह आप बना सकते हैं मटन बिरयानी भी। तो यहाँ पे मैंने अखनी ऐड कर दिया है, हरा धनिया और तली हुई प्याज ऊपर से ऐड कर देंगे हम, और बाकी के ऊपर चावल ऐड करेंगे जो बचे हुए हैं। जो भी न्यू फ्रेंड्स मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, फुल वॉच कीजिए और सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तली हुई प्याज ऐड करेंगे हम दम पर, हरा धनिया ऐड करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़ा सा बिरयानी मसाला जो मैंने थोड़ा सा बचा के रख लिया था। बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, थोड़ी सी इलायची पाउडर ऐड करेंगे खुशबू के लिए, और बिरयानी के तली हुई प्याज का जो तेल था वो ऐड कर लेंगे हम। और कलर ऐड करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे हम, केसर ऑरेंज कलर और येलो कलर ऐड करेंगे, और इसको दम पर रख देंगे स्लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही खिली खिली बिरयानी, चिकन दम बिरयानी पक्के गोश्त वाली बिल्कुल रेडी है। तो देखिए आप दाना देखिए, एक दूसरे से चिपका भी नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी रेडी हुई है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये बिरयानी मेरी कैसी लगी। और वीडियोस है अपलोडेड बिरयानी के, वो भी वॉच करना, आपको काम आएंगे बकरीद स्पेशल में। तो चलिए फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।